हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है रोजगार इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आई नई वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें क्या होने वाला है, किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। बात करते हैं आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम देशबंधु कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इस साइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इस साइट पर आकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ एक लेटेस्ट न्यूज का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा होगा, इसी में आपको पहले नंबर पर ये नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है, तो आइए बिना देरी करे आपको लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम देश बंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की। तो पहली पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। पे स्केल की बात करें तो लेवल 7 पे आपका यहाँ पे स्केल है। एक पोस्ट निकाली गई है टोटल जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। 35 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। दूसरी जो पोस्ट है वो है सीनियर असिस्टेंट की, लेवल 6 पर पे स्केल है। एक पोस्ट टोटल निकाली गई है यहाँ पर, जो कि PWBD में यहाँ पर निकाली गई है। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करते हैं तो लेवल 2 पे स्केल है। 3 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। 27 साल इसमें मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की। तो लेवल 6 इसका पे स्केल है। एक पोस्ट निकाली गई है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए और 30 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से भी रीड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर म्यूजियम क्यूरेटर की। लेवल 5 पर इसका पे स्केल है। एक पोस्ट निकाली गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। 30 साल मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर रखी गई है, देख सकते हैं। वर्कशॉप के लिए यहाँ पर बात करते हैं, देख सकते हैं लेवल 5 पर यहाँ पे स्केल दिखाया गया है। एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए है और 30 साल आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है, आप देख सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी की बात करें यहाँ पर लेवल 4 पे स्केल है। एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, देख सकते हैं यहाँ पर 30 साल आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की। लेवल 4 पर पे स्केल है। एक वैकेंसी निकाली गई है, आप देख सकते हैं, और 30 साल इसकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट बायोकेमिस्ट्री की। लेवल 1 पर इसकी यहाँ पर सेल पे स्केल देखने को मिल रहा है। एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, 30 साल आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट बॉटनी की बात करते हैं, लेवल 1 पर पे स्केल है। 7 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, अलग अलग कैटेगरीज में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर लेवल 1 पर पे स्केल है। 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है अलग अलग कैटेगरी में, देख सकते हैं आप यहाँ पर। 30 साल मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर रखी गई है, सारी जानकारी दी गई है यहाँ पर। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स के लिए यहाँ पर बात करते हैं तो लेवल 1 पर यहाँ पर पे स्केल है आपका। 4 वैकेंसी निकाली गई है, कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर है। लेबोरेटरी अटेंडेंट जूलॉजी के लिए बात करते हैं तो लेवल 1 पर पे स्केल है। टोटल वैकेंसी 9 है यहाँ पर। 30 साल मैक्सिमम एज है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए बात करते हैं तो लेवल 1 पर यहाँ पे स्केल है। टोटल वैकेंसी 5 है यहाँ पर। 30 साल मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है। अब बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी की कितनी निकाली गई है, तो सभी पोस्ट को यहाँ पर मिलाकर टोटल वैकेंसी यहाँ पर 40 पोस्ट पर निकाली गई है, आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है दी गई ऑफिशियल साइट पर। इस साइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट की। यहाँ पर दिया गया है कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस दिन के 21 दिन बाद यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है। ये नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी किया गया है, तो उसके बाद की जो 21 दिन है वो इसकी लास्ट डेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिना देरी करे जल्द से जल्द जाके इसमें अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही अच्छी भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। बात करते हैं यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। हर पोस्ट के अलग क्वालिफिकेशन है, आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं, वीडियो को स्किप ना करें।
पहली पोस्ट पर बात करते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। यहाँ पर आपका क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, तो आपकी बैचलर ऑफ डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। आप देख सकते हैं आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। आप देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर आपके स्किल टेस्ट भी होने वाले हैं डिक्टेशन के, कंप्यूटर के। आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, देख सकते हैं आप सारी चीज दिखाई गई है। सेकंड पोस्ट पर बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तीसरी पोस्ट पर बात करते हैं, तो 12th क्लास के बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है कि 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ मांगी गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए। यहाँ पर बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्या मांगी है, तो आपके पास बीई बीटेक का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है सारी चीज। नंबर 5 पर जो पोस्ट है वो है म्यूजियम क्यूरेटर की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर ऑफ डिग्री आपकी यहाँ पर मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पर मांगी है। आप एक बार से देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, एक बार खुद से भी यहाँ पर रीड कर लें। 6th जो पोस्ट है वो है वर्कशॉप मैकेनिक की फिजिक्स में, आप यहाँ देख सकते हैं आपकी बैचलर ऑफ डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, आप देख सकते हैं इसमें। चलते हैं नंबर 7 पर, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर क्या मांगा गया है, 12th क्लास पास आउट आप इसमें होने चाहिए, आप उसके बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर बात करते हैं, तो आप इसमें 10th क्लास यहाँ पर मांगी है, 10th क्लास के बाद भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आप बात करते हैं, तो 10th क्लास आपकी मांगी गई है, सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए, बेसिक कोर्स आपने किया हो कंप्यूटर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी फीस की, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फीस, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है, आप देख सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन्स कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। ये जो आपकी फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, तो आप इसमें अप्लाई जरूर से कर दीजिए, जल्द से जल्द जाकर इसमें अप्लाई कर दीजिए जैसे कि हमने आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अप्लाई करने का जो लिंक है वो हमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहां से जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, तो बिना देरी करे जल्द से जल्द जाके इसमें अप्लाई कर दीजिए। इस नोटिफिकेशन में अगर आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी दिक्कत का यहाँ पर हम पूरी सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। आपका जो एडमिट कार्ड यहाँ पर होगा वो इनके ऑफिशियल साइट पर ही आ जाएगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नई जॉब में। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल पर ऐसे ही बने रहें, प्यार देते रहें, धन्यवाद।